हाय, वेलकम यू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 क्लास 10, जो जेके बोस 2021 में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन पे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर, अगर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो ये है। कहता है कि साइन ऑफ 90 माइनस ए है इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे ए ऑप्शन है कॉस ऑफ ए है, ऑप्शन बी है आपके पास माइनस साइन ऑफ ए है, दिस इज माइनस साइन ऑफ ए है, एंड ऑप्शन सी है आपके पास माइनस कॉस ऑफ ए, एंड द ऑप्शन डी इज साइन ऑफ ए है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। अब जानते हैं ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो फॉर्मूला है ना, वहां से पूछा गया है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपके पास बस सिंपल, आपको फॉर्मूला याद हो, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो आंसर तो डायरेक्ट क्या है, ए। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपको इसका उल्टा, मान लो कॉस ऑफ, अगर आपको पूछा जाए कॉस ऑफ 90 माइनस ए क्या हो, बस जब साइन ऑफ 90 माइनस ए आर कॉस ए के बराबर है, तो कॉस ऑफ 90 माइनस ए होता है साइन ए के बराबर, ये ठीक है, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, कॉम्प्लीमेंट्री जो है वहां से पूछा जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और हैं, जैसे आपको पूछा जाए टेन ऑफ 90 माइनस कोई भी एंगल क्या हो, तो आप जवाब दे कॉट ऑफ ए है, अगर कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा हो तो वो आप टेन ऑफ ए। ठीक है, इसी तरह है कोसेक ऑफ 90 माइनस ए, वो होता है सेक ऑफ एंगल ए के बराबर। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट याद है, तो ठीक है आपके पास क्या हो जाएंगे, ये आपके पास वन मार्क का क्वेश्चन है, एकदम यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, कोई इसमें जाता तो अब है नहीं। अब चलते हैं, क्वेश्चन 9 है आपके पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ही पूछा गया, ये है आपको टेन 26 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहाँ पे है सर कॉर्ड ऑफ 64 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1 माइनस 1 0 नन ऑफ दीज। ठीक है, अब आप जानते हैं 26 पे जब आप 64 ऐड करोगे कितना आएगा, ऑब्वियसली 90 आएंगे, तो अगेन ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो अभी हमने डिस्कस किया वही है। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपका, हमेशा याद रखना आपने वही, ओके, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो पूछा जाएगा, तो आप देखना या तो आप न्यूमिरेटर को चेंज करिए या डिनोमिनेटर को, कैसे करेंगे आप, चूंकि ये 26 डिग्री 64 डिग्री आपका जो स्पेसिफिक एंगल वाला है ना, स्पेसिफिक एंगल बोले तो 0 30 45 60 90, अगर इनके अलावा कुछ हो तो आपको हमेशा ये कन्वर्जन लगाना होगा, मतलब क्या टैन है, टैन को अब हम लिखेंगे 90 माइनस, अब जो है 64 का एंगल लिखेंगे आप जो कॉट के साथ है, ये जो 64 इसको यहाँ पे लिख देंगे 64 डिग्री, सही है, और डिनोमिनेटर में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, ये आपके पास कॉट ऑफ 64 डिग्री ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये हुआ सर कॉट ऑफ 64 डिग्री डिवाइडेड बाय यहाँ पे है कॉट ऑफ 64 डिग्री, ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आया, वन आया। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए रहेगा, वन आएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो आपने इस टाइप के फॉर्मूले लगानी है, आई होप यहाँ भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, कोई क्वेश्चन और ढूंढते हैं, जैसे हाँ तो क्वेश्चन नंबर 10 है, तो लगातार पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है द वैल्यू ऑफ, आपको कहना है वैल्यू ऑफ टेन 60 डिग्री किसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये याद है तो ठीक है, डायरेक्टली अंडर रूट 3 हो, अगर याद नहीं है तो आपके पास ध्यान से देखिएगा टेन 63 हो, 60 होता है सर, यानी होता है साइन 60 अपॉन आपके पास है, दिस इज लाइक कॉस ऑफ 60 डिग्री, सही है, अब साइन 60 क्या होता है, साइन 60 आपके पास होता क्या है, अब अपना ये कर लीजिएगा, जो भी आपके पास मान लीजिए आप अपना कोई भी हाथ बना दीजिए, ठीक है, ये आपके पास आपका राइट हैंड है सपोज, लेफ्ट हैंड है, ठीक है, एक मैं यहाँ से ऐसे ही सपोज अपना हाथ बना लेता हूँ, ठीक है, इस टाइप का कोई हाथ, ओके, ये हो गया आपका, मान लीजिए ये हमारा
हाथ हो गया, ठीक है, सपोज इस टाइप का। यहाँ से देखना, अब इस ट्रिक से क्या करते हो सर, ये जो थंब है आपका, मान लो ये थंब है, दिस इज दी, इसको 0 डिग्री बोल दीजिए, ये आपके पास 30 डिग्री हुआ, ये आपके पास है एक्सक्यूज मी, ये आपके पास जाएगा 45 डिग्री है, ये आपके पास जाएगा 60 डिग्री है, और दिस इज दी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ना, ये आपको सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने के लिए काम आता है। तो करते क्या है, थंब साइड में जितने भी उंगली बचते हैं ना, वो उनको हम साइन में काउंट करते हैं, और लिटिल फिंगर साइड में जितने भी बचते हैं उनको हम कॉस थीटा में काउंट करते हैं। कैसे, यहाँ से देखिए, अब हमें साइन 60 चाहिए, तो आप 60 पे, मान लो मुझे साइन 60 चाहिए, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट, ठीक है। यहाँ से देखिए, 60 कहाँ है सर, 60 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है, तो इधर थंब साइड में कितनी उंगली बची, 3। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे साइन ऑफ 60 डिग्री चाहिए, तो कॉस 60 डिग्री आपको एकदम मिल जाती है, ठीक है। जब आप इसको 3 4 बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप डायरेक्टली हाथ से कर सकते, कोई इशू है नहीं। तो कितना बचा यहाँ पे, थंब साइड में कितनी उंगली बची, 1 2 3 उंगली, है ना, 1 2 3 उंगली बची, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और लिटिल फिंगर साइड में कितनी बची, 1, है ना, तो 1 बचेगी कॉस के अकाउंट में। अब जैसे ही ये नंबर आए, आपने क्या करना है, इनका रूट लेना होता है, ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 कर दो फिर, ठीक है। अब आप जानते हैं 1 परफेक्ट स्क्वेयर है, 1 तो बाहर आएगा, तो कॉस 60 आपके पास होता है, डायरेक्टली आपके पास हुआ सा कॉस 60, हाँ जी, तो कॉस 60 हुआ 1/2 के बराबर, और 3 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, तो ये √3/2 ही रहेगा, बस साइन 60 √3/2 हुआ। तो करना कुछ नहीं है, इसी में आप पुट कर दीजिए, साइन 60 है सर √3/2, और कॉस 60 है 1/2, 2 2 कैंसल आउट हो गया, आपके पास न्यूमिरेटर में √3 बचा, तो आपके पास ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए है आपका √3, तो इसी को आपने टिक करना था, ठीक है। तो ये किसी भी एंगल के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको कल को पूछा जाए टैन ऑफ 30 डिग्री क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, राइट। अब साइन 30 डिग्री है, तो उंगली जाइए साइन 30 पे, ये 30 डिग्री है, ठीक है ना, ये आपके पास 30 डिग्री ये वाला है, तो साइन के अकाउंट में 1 उंगली रहेगा, और कॉस के अकाउंट में 3 उंगली, ठीक है। तो साइन के अकाउंट में रहेगा सर 1 उंगली, वहां पे रहेगा 3 उंगली, बस इसका अंडर रूट लेना होता है, ट्रिक है ये, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, परफेक्ट स्क्वेयर है 1, तो 1 बाहर आएगा, 1/2 हो गया, ये √3/2 हो गया, तो साइन 30 बचेगा 1/2, कॉस 30 हो गया √3/2, 2 2 कैंसिल, आपके पास आया 1/2, तो ये 1/2 आपका सोल्यूशन रहेगा। तो जब भी टाइम 30 का किसी को पूछ सकता है, तो इस हाथ से आप सब कुछ निकाल सकते हो, सही है, आई होप यहाँ पे भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं किसी और क्वेश्चन की तरफ। तो आपके पास सेक्शन ए में बस इतना ही पूछा गया है, तो सेक्शन बी में चलते हैं, ये 2 मार्क का क्वेश्चन रहता है, तो आपके पास हम जाएंगे सर सेक्शन बी में, ठीक है। तो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 23 है, ये कहता है, अगर इफ साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 3/4 है, तो वो ये कह रहा है, कैलकुलेट आपको निकालना है कॉस ए निकालना है, एंड आपको निकालना है टैन ए निकालना है, ठीक है। यहां से देखिएगा, आप जैसे ये पूछा जाए, आपको रेक्टेंगल, थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए ए बी सी, यहाँ पे बी पे 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन साइन ऑफ कोई भी थीटा, साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, सही है। अब जो ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये ऊपर क्या है, 3 है, तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं, देखना परपेंडिकुलर कंपेयर करके, परपेंडिकुलर टू 3 × समथिंग के लिख दो, लेकिन वो चूंकि रेशियो में आप लिखो ना लिखो कोई इश्यू नहीं है ना, तो साइन ऑफ के लिख दो कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय, आपके पास हाइपोटनेस क्या है, 4 है, हाइपोटनेस आपके पास हो गया सर 4 ऑफ के, कोई भी के, ये आपके पास क्या हो गया, आप इन दोनों को काट दो, तो सिंपल आपका जो बनता है रेशियो 3/4 बनता है, तो आप सिंपली आपका परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटनेस हो गया 4, कंपेयर करें, ऊपर है 3 नीचे है 4, तो जहां पे परपेंडिकुलर है, अब ध्यान ये दीजिएगा, मैं थोड़ा कलर को चेंज करता हूँ ताकि आपको चीजें दिखाई दे दे, अच्छा ये जो एंगल ए है ना, इसका जो अपोजिट साइड है यानी बी सी, यही परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 3 है, और आपका हाइपोटन्यूज क्या है, हाइपोटन्यूज है यहाँ पे 4, सही है, ग्रेट।
अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले जब कॉस ए टैन ए निकालोगे, टैन के लिए मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, है ना, ए है तो परपेंडिकुलर है, बेस चाहिए, साथ में ए बी है नहीं, तो सबसे पहले हम ए बी को देखेंगे क्या होता है। उसके निकालने के लिए आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम है, वो कहता है जो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो होगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, कभी कभी कह लेते हैं हम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। और हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है सर, फोर है ना, फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस क्या है पता नहीं, बेस को निकालना है, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ पे थ्री का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से फोर फोर जा सिक्सटीन इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस थ्री थ्री जा नाइन, तो यहाँ पे बेस का स्क्वायर चाहिए तो नाइन को शिफ्ट करेंगे उससे, 16 माइनस 9 सही है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हुआ आपके पास बचेगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सही है, 7 बचेंगे है ना, फिर यहां से बेस हो जाएगा आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अंडर रूट ऑफ 7, प्लस माइनस होता है चूंकि डिस्टेंस है, हम माइनस इग्नोर करते हैं, तो अंडर रूट ऑफ 7 आपका बेस हो गया, तो ये आपके पास बेस हुआ सर अंडर रूट ऑफ 7। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, सही है। आप निकालेंगे, आपके पास बेस भी आ गया, सब आ गया, तो एक बार आप लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास परपेंडिकुलर आया है, दिया हुआ है 3 है, हाइपोटेन्यूज आपके पास है 4, और बेस है आपके पास अंडर रूट ऑफ 7, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है कॉस ऑफ एंगल ए, कॉस ए होता है, ये होता है सब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब चूंकि ए है, एंगल ए यहाँ पे है, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है 3 है, बेस आपके पास होगा अंडर रूट 7, अच्छा जी अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है 4, तो कॉस ए निकाल लिया आपने। अब आपको पूछा जाएगा टैन ए क्या होगा, टैन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अगेन अंडर रूट, सॉरी परपेंडिकुलर अब क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 आएगा और बेस आएगा अंडर रूट 7, तो ये आपके पास टैन ए निकल गए और ये आपके पास कॉस ए निकल गए, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, हो गया ठीक है, ग्रेट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसी का, और अगर इसको नहीं करना है सपोर्ट किसी ने, तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में इवैल्यूएट, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में है, ये है इवैल्यूएट है, ध्यान से देखिएगा, इवैल्यूएट टू टैन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री सही है, बस तो क्या करेंगे सर, यहाँ पे आपको पता है टैन 45 की वैल्यू होती है 1 सही है, तो टैन 45 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस कॉस 30 का वैल्यू होता है, अभी अभी हमने किया था, कॉस 30 रहता है सर अंडर रूट 3/2 ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 60 होता है क्या, अभी अभी किया था, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर ठीक है, ये हमने हाथ से अभी अभी करा था ना ठीक है, आपको अगर स्टिल याद नहीं हो तो दोबारा बना लेते हैं, मान लीजिए लिटिल फिंगर है या आपके पास इंडेक्स फिंगर है ठीक है, मिडिल फिंगर है सपोज, उसके बाद ये हुआ, फिर ये मान लो आपका अंगूठा है ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड को कंसिडर कर लीजिएगा, अब देखना ये लास्ट होता है सर 90 डिग्री, ये थंब साइड 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, दोबारा एक बार देख सकते हो आप, दिस इज दी 45 डिग्री एंड दिस इज दी 60 डिग्री सही है। अब आपको चाहिए क्या, मुझे चाहिए, अगर आपको यहाँ से ध्यान से देखना टैन 45 चाहिए, टैन 45 याद रखो वैसे टैन 45 ये है, टैन 45 मतलब साइन 45 अपॉन कॉस 45 ठीक है, ध्यान से देखना, मेरे को अगर चाहिए टैन 45 डिग्री तो वो होता है साइन 45 डिवाइडेड बाय यहाँ से वो सर कॉस ऑफ 45 सही है, साइन 45 बोले तो इधर दो उंगली बचे ठीक है, 2/2 अंडर रूट 2/2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, टू अंडर रूट 2/2 कॉस 45 भी इधर दो उंगली बचे हैं डायरेक्टली अंडर रूट 2/2, ये दोनों कैंसिल हो गया आंसर आया वन ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने वन लिख दी। अब कॉस 30 चाहिए, कॉस 30 चाहिए तो कॉस ऑफ 30 डिग्री क्या होगा सोचिए, 30 डिग्री यहाँ पे है इस उंगली पे, अब कॉस साइड कितनी उंगली बचे, तीन, तीन उंगली बचे, जो नंबर आया आपके पास उसी का क्या करते हो आप, और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, चूंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आंसर अंडर रूट 3/2 ही आएगा, वही हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब साइन 60 लिखना हो तो क्या करोगे, साइन ऑफ
60 डिग्री लिखना हो तो साइन 60 कहाँ है सर? 60 ये वाला है, ये वाला है, ठीक है। तो 60 यानी इधर तीन उंगलियां बची हैं, ये तीन उंगली बची, यहाँ पे अगेन तीन हुआ, नंबर आया, रूट ले लो, डिवाइड बाई थ्री कर दो, अंडर रूट थ्री अपॉन टू आया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ, अंडर रूट थ्री अपॉन टू का स्क्वेयर माइनस अंडर थ्री अपॉन टू का स्क्वेयर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया है, प्लस यहाँ से वन का स्क्वेयर वन होता है, आंसर टू वन जा टू आया, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर टू आया, सही है। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आप सेक्शन सी में देखते हैं कोई क्वेश्चन है कि नहीं है, देन आपके पास है सर सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी में जैसे यहाँ पे प्रूव दैट, यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। यहाँ पे है प्रूफ दैट, क्या है प्रूफ दैट, क्वेश्चन है सर कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन ऑफ ए प्लस वन प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू टू सेक ए है, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखना है हम यहाँ पे क्या लेंगे सर, एलएचएस ले, ठीक है। एलएचएस आपके पास क्या है, ये है ना एलएचएस, हमेशा ट्राई ये करना इन जैसे टाइप के क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 8.4 का ये है ना, उसी का पार्ट है, तो हमेशा इन क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को ये थंब रूल है, साइन और एंड कॉस में आपको कन्वर्ट करना है, फिर याद आपके पास आ जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कन्वर्ट है। आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को कर दो, फिर इन दोनों को कर दो, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा सर दिस इज लाइक कॉस स्क्वायर ए आएगा, ठीक है, प्लस वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, फिर डिवाइड में वन प्लस साइन को कॉस से करेंगे तो वन प्लस साइन ए को कॉस से करेंगे, इनको कुछ करना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट मत करना, बस ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए का तो कुछ कर नहीं सकते आप, ऐसे ही रख दीजिए, प्लस यहाँ पे हुआ वन प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ ना, ए यहाँ पे वन है, बी यहाँ पे साइन है, तो होता है फॉर्मूला ए का स्क्वेयर यानी वन का स्क्वेयर प्लस टू ए बी, या टू ए बी या बी का स्क्वेयर लिख सकते हैं, टू ए बी क्या होता है, टू इंटू ए है वन, बी है हमारा साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी का स्क्वेयर यानी हुआ सा साइन ऑफ स्क्वेयर ए, सही है, ओके ग्रेट। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को बस ऐसे रख दीजिए, वन प्लस साइन ए इंटू ये हुआ सा कॉस ऑफ ए, सही है, विच इज इक्वल टू। अब यहाँ पे कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है, वन होता है आइडेंटिटी, प्लस वन स्क्वेयर रहता है वन के बराबर, प्लस टू वन जा टू, टू इंटू साइन ए यानी टू साइन ऑफ एंगल ए, और डिवाइड में आपके पास आएगा वन प्लस साइन ए इंटू यहाँ से होगा सर कॉस ए, सही है, विच इज इक्वल टू, वन पे वन ऐड करेंगे तो ये होगा टू प्लस टू ऑफ साइन ए डिवाइडेड बाय यहाँ पे है वन प्लस, दिस इज साइन ए सॉरी कॉस ए नहीं है, वन प्लस साइन ए, ओके वन प्लस साइन ए इंटू आपके पास है कॉस ऑफ एंगल ए, सही है। आप इसको फाइनली लिख सकते हैं, दोनों में ऊपर डिनोमिनेटर में टू, न्यूमिनेटर में टू कॉमन है, यहाँ पे वन प्लस साइन ए रहेगा, साइन ए रहेगा, और डिनोमिनेटर में रहेगा सर वन प्लस साइन ऑफ ए, और ये आपके पास आया कॉस ए, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए कैंसिल, तो आपके पास ऊपर बचा टू और नीचे बरे बचेगा वन अपॉन ये कॉस ए हुआ विच इज टू, वन अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे, जो काम किया है वो ये किया कि कॉस ए को देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, कॉस ए कॉस ए कॉस स्क्वेयर ए और वन प्लस साइन ए को वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर, और इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, आपके पास कुछ नहीं किया। अब सेकंड स्टेप में ये जो वन प्लस साइन ए का स्क्वेयर है ए प्लस बी का होल स्क्वेयर फॉर्मूला लगाया तो वन का स्क्वेयर प्लस टू वन साइन ए प्लस साइन स्क्वेयर, अब ये होता है सर कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए वन के बराबर आया, और यहाँ पे वन का स्क्वेयर वन के बराबर आया, टू वन जा टू, टू साइन ए तो टू साइन ए, ठीक है, वन प्लस वन कॉमन ले, ये टू हो गया, अब टू प्लस टू साइन ए में टू कॉमन ले लिया,
वन प्लस साइन ऊपर आया, वन प्लस साइन डिनोमिनेटर में है, दोनों कैंसिल हो गया, नीचे कॉस ए बचा। अब वन अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, है ना, ये आप जानते हैं, चूंकि सेक ए बराबर होता है वन अपॉन कॉस ए के, ये एक दूसरे का क्या रहता है, रेसिप्रोकल रहता है। ठीक है, बस तो इतना सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, तो सेक्शन सी में बस यही है, कुछ और क्वेश्चंस है तो देख लेते हैं फाइनली आपके पास। तो सेक्शन सी का हो गया, ये सेक्शन सी 6 मार्क क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन डी में कुछ पूछा गया कि है नहीं। ठीक है, तो सेक्शन डी का कुछ देखते हैं। सेक्शन डी में चैप्टर ऐसे नहीं पूछा गया, चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 को। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अगेन मिलते हैं किसी और एक चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।